क्या आपको पता है कि एडी गुरेरो की एक बेटी है जिन्होंने WWE में रेसल किया है। एडी की सबसे बड़ी बेटी शॉल गुरेरो को WWE ने 2010 में साइन किया था जब वो बस 20 साल की थी। उन्होंने उस समय WWE के डेवलपमेंट सेंटर FCW में ट्रेन करना शुरू किया और वो रेकेल डियास के नाम से कम्पीट करती थी। भले ही उन्होंने अपने नाम का इस्तेमाल ना किया हो लेकिन कमेंटेटर्स ने उनके खानदान के बारे में जिक्र जरूर किया था। जब FCW NXT बन गया तब शॉल भी उसका हिस्सा थी और NXT के लॉन्च होने पर उन्हें एक टॉप फीमेल रेसलर की तरह पुश किया गया और उन्होंने अपने पहले NXT मैच में ही आगामी डिवास चैंपियन पेज को हरा दिया था। अपने NXT डेब्यूट के कुछ समय बाद ही शॉल गुरेरो ने WWE से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली। वो वापस तो आई लेकिन उन्होंने फिर एक ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से WWE को पूरी तरह से छोड़ दिया। खैर अभी वो अपनी जिंदगी में काफी खुश है और 2016 में उन्होंने एक दूसरे WWE रेसलर एडन इंग्लिश से शादी भी कर ली। आपको शायद ही पता हो कि रैंडी ऑर्टन का एक कजिन था जिसको 18 साल की उम्र में रेसलर बनने की ट्रेनिंग मिली थी। रैंडी के कजिन जेस्पर ऑर्टन के साथ WWE ने एक डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कंट्रोवर्सी तब खड़ी हुई जब ऐसी रिपोर्ट्स आई कि जेस्पर ने ये कहा है कि वो रैंडी ऑर्टन के सगे भाई हैं, जो कि वो नहीं है। खैर WWE ने फिर भी जेस्पर को साइन किया और वो ट्विटर पर पोस्ट कर रहे अपनी तस्वीरों में बहुत ही अच्छी शेप में नजर आ रहे थे, पर फैंस को कभी जेस्पर ऑर्टन का डेब्यू देखने ही नहीं मिला। द वाइपर के कजिन को क्या हुआ इस पर कभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन शायद या तो जेस्पर को रेसलिंग उनके लिए ठीक नहीं लगी या फिर WWE को जेस्पर अपने लिए ठीक नहीं लगी। एंजल और अम्बर्टो के रेसलिंग शुरू करने से बहुत पहले उनके अंकल रिंग में आ चुके थे। 1996 के आखिरी भाग से 1997 के पहले समय तक फैंस ने देखा हेक्टर गार्जा को। गार्जा को WWE में कम्पीट करने का मौका मिला WWE और AAA नाम की एक मेक्सिकन रेसलिंग कंपनी के बीच हुए एक वर्किंग एग्रीमेंट की वजह से। हेक्टर गार्जा ने WWE में सिर्फ कुछ ही मैचेस खेले जिसमें से एक था 1997 में हुए रॉयल रंबल में हुआ एक 6-मैन टैग टीम मैच। WWE ने शायद उनमें कुछ देखा था क्योंकि गार्जा ने लगभग अपने सारे मैचेस जीते थे, लेकिन 1997 के बीच में WWE और AAA की पार्टनरशिप खत्म हो गई और हेक्टर गार्जा WWE के लिए और रेसल नहीं कर पाए। दुर्भाग्यवश अपने भांजों के WWE में आने से पहले ही लंग कैंसर के चलते हेक्टर का निधन हो गया। सबसे पहले वेमेंस मनी इन द बैंक की विजेता कार्मेला एक सेकेंड जनरेशन रेसलर है। कार्मेला की मून वॉकिंग और ट्रैश टॉकिंग से बहुत पहले उनके पिता 80 के दशक के आखिर और 90 के दशक की शुरुआत में WWE में कम्पीट कर रहे थे। कार्मेला के पिता पॉल वैन डेल ने कुछ काफी बड़े नामों के साथ रेसल किया जैसे रेजर रेमन, केविन नैश और शॉन माइकल्स। बदकिस्मती से पॉल ने कभी एक भी मैच नहीं जीता। 1994 में वेंडेल का आखिरी मैच हुआ और 20 साल बाद उनकी बेटी ने अपना डेब्यू मैच ही जीत लिया। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि रोमन रेंस का एक कजिन WWE में अभी रेसलिंग कर रहा है। आपको लगेगा कि मैं जिमी या जे यूसो की बात कर रहा हूं, लेकिन द हेड ऑफ द टेबल के परिवार का एक तीसरा इंसान भी WWE रोस्टर पर आ चुका है। उनका नाम है सोलो सिकोवा। सोलो ने नवंबर 2021 में NXT 2.0 पर अपना WWE डेब्यूट किया और तब से उन्होंने बवाल मचा के रखा है और बहुत कम ही मैचेस में हार का मुंह देखा है और वो द नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के एक कंटेंडर भी थे। अब तक तो आप गेस कर ही चुके होंगे कि सोलो यूसोस के छोटे भाई हैं। हम शायद सोलो को अपने पूरे परिवार की तरह मेन रोस्टर पर जाते हुए जल्द ही देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि शॉन माइकल्स का एक कजिन था जिसने WWE में रेसल किया था? वो देखने के लिए ये वीडियो देखिए।